हेलो क्लास, आई एम मंजुल सर। स्वागत करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका। दिस इज मॉडल्स। मॉडल्स के वीडियोस कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, और ये जो हमारा लेक्चर है बच्चों, दैट इज योर फोर्थ लेक्चर। ये आपके जो लेक्चर संख्या है ना, वो फोर्थ है, ठीक है। और इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉडल बॉक्स को खत्म कर लिया जाए, ठीक है। चलिए आइए हम सब इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले, अब तक मैंने आपको 6 और 2 8 8 दे दिए हैं, शायद से इसमें 5 हमको क्लियर करने पड़ेंगे। चलिए 9th पे आता हूं मैं, दैट इज योर ओड। और तो ये जो आपका लेक्चर है, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग कौन सा, ओड का, ठीक है। उड का, ओके। तो चलिए देखिए, उड का सबसे फर्स्ट रूल देखते हैं बच्चों उड में, वो है हमारा यानी पास्ट हैबिट, ठीक है। उड का क्या है, पास्ट हैबिट, ओके, पास्ट हैबिट, ठीक है। पास्ट हैबिट एग्जाम्पल देख लीजिए, पास्ट हैबिट का मतलब समझते हैं आप, भूतकालिक आदतें, ठीक है, भूतकालिक आदतें, भूतकालिक आदतें बच्चों, ठीक है, भूतकालिक आदतें, भूतकाल में कुछ आदत रहा हो, ठीक है, उनसे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल है बच्चों, यस आई would love, I would love music in young age, in young age, ठीक है। जब मैं यंग एज का था तो मुझे म्यूजिक पसंद थी, ठीक है, यस। और एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं आप कि he would go to visit Agra those days, उन दिनों में, मतलब है ना पास्ट में, देख रहे हैं, यंग एज, जब मैं युवा था, ये व्यक्त कर रहा है पुरानी समय को, those days, उन दिनों ये he would go to visit Agra, वो आगरा विजिट करने जाते थे। तो ये पास्ट हैबिट थी इनकी, आदतें बन चुकी थी, वो उन दिनों में जाते थे भाई, जब इच्छा लगती थी वो आगरा घूमने चले जाते थे, ठीक है। वो जब यंग के थे ना, यंग एज के थे, तो वह आई वुड लव म्यूजिक, तब मेरे को म्यूजिक पसंद थी, मैं म्यूजिक पसंद करता था, सुनना पसंद करता था, ठीक है, बोलना पसंद करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चों। तो पास्ट हैबिट आपने देख लिया, नेक्स्ट जो है आपका वो है ना, पास्ट हैबिट नेक्स्ट है बच्चों आपका, दैट इज पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट जानते हैं क्या होता है, विनम्र आग्रह, ठीक है, विनम्र आग्रह बच्चों, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट में कौन सी आग्रह है, ये विनम्र आग्रह है आपका, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, ये जो उड है ना, वह विल से ज्यादा उड का रिक्वेस्ट होता है, मतलब मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, मोर देन विल, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट मोर देन विल, विल से ज्यादा पोलाइटली अगर आपको कहना है तो उड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उड का जो रिक्वेस्ट होता है ना बच्चों, ये उड का रिक्वेस्ट जो है वो कम होता है किससे, कुड से, कुड इज मोर पोलाइट, अगर आपको ज्यादा पोलाइटली कहना है ना तो आप कुड का प्रयोग कीजिए, उससे कम पोलाइटली कहना है तो उड का प्रयोग कीजिए। और विल का प्रयोग भी हम लोग करते हैं, बट वो सबसे कम है, ठीक है, यस। तो देख लीजिए, जैसे मैं कहूं कि उड You kindly, would you kindly
क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, कृपया आप दरवाजे बंद कर देंगे। वुड यू काइंडली, बच्चों जो आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो किसी से आग्रह करोगे तो वो वाक्य आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ठीक है। क्या आप मुझे खाना देंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कैसा होगा भाई, प्रश्न भरे नजरों से होंगे, समझ रहे हो ना। यस, तो वुड यू, क्या आप काइंडली, प्लीज, कृपया, वुड यू काइंडली, कृपया है ना, इस दैट मीन्स कृपया है ना, कृपया क्या आप क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर देंगे, आग्रह है आपसे, कर देंगे क्या। हमने कहा हाँ भाई कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे भाई, कर देंगे। चलो तीसरे पे आ जाओ, तो समझ आ गई पोलाइट रिक्वेस्ट। चलो अब है बच्चों, दैट इज विश, ठीक है, टू एक्सप्रेस विश, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए, किसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसको व्यक्त करने के लिए, इच्छा को, ठीक है बच्चों। इसमें जो आप उड का प्रयोग करके जो इच्छा व्यक्त करोगे वो इस तरह से करोगे, एग्जांपल देख लीजिए आप, ठीक है, इस तरह से करेंगे। उड दैट, क्या प्रयोग करेंगे आप, उड दैट, ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों काश, क्या होता है, काश, ठीक है। उड दैट, अगर आप सबसे पहले उड दैट का प्रयोग कर दिए बच्चों तो उसका होता है काश, इच्छा बता रहे ना हम, काश। Would that I were a bird, काश मैं पक्षी होता, I were a bird, समझ आई क्या बात। तो would that का मतलब क्या होता है, काश, ठीक है, काश I were a bird, काश मैं पक्षी होता, मेरी इच्छा है भाई, इच्छा है कि काश मैं पक्षी होता, है ना, इच्छा है मेरी, मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ काश मैं ये होता तो that means क्या, कि मेरी इच्छा है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर काश मैं ये होता, ठीक है ना। यस, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है बच्चों, टू एक्सप्रेस होपलेस विश, ठीक है, यस, निराशाजनक इच्छा को व्यक्त करने के लिए बच्चों, ठीक है। और इसका प्रयोग आप इफ ओनली के द्वारा करेंगे, ठीक है, इफ ओनली से व्यक्त करेंगे, आप किसे करेंगे, इफ ओनली, बच्चों यहां पे इफ ओनली का मतलब ये है काश, काश, ठीक है, काश आई उड, ठीक है, या काश इफ ओनली ही उड कम हेयर, ही उड कम हेयर, काश वह यहां आता, काश वह यहां आता, होपलेस है ना, निराशा वाला इच्छा बता रहे हम लोग कि काश वह यहां आता, काश वह यहां आता, ठीक है, काश इफ ओनली He would come here. काश वो यहां आता, मतलब हम निराशा मिल रही हमें, है ना, बट इच्छा था कि हमारा जो है ना ऐसा कुछ होता, बट निराशा है हमें, है ना। यस, तो if only he would come here, काश वो यहां आता, that ये है बच्चों hopeless wish, कैसा है ये, hopeless, और hopeless wish को किससे हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, if only से, ये बात ध्यान रखें, जैसे आप if only देख ले सेंटेंस में तो आप समझ जाइएगा ये hopeless wish है, और जिसमें उड का प्रयोग करने वाले आप, ठीक है, इफ ओनली ही वुड कम हेयर, काश वो यहां आता, ठीक है ना, यस, होपलेस विश, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये चार पॉइंट्स आप नोट कर लें और थ्योरी में डाल दे भाई, लिख लीजिए आप फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप अपने नोट्स में डाल दीजिए, आगे बढ़े, मिटा दिया जाए इसे। चलिए, तो मैंने आपको सेंटेंस बता दिया, अब आप इनके सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए एक से अधिक सेंटेंसेस भी मैं बता सकता हूं, दो दो सेंटेंस बता सकता हूं, तीन सेंटेंस बता सकता हूं, लेकिन बच्चों फिर वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा ना, देख रहे हैं आपके एक वीडियोस में बहुत से बहुत जो है वह केवल आपके पास है ना तीन से चार ही, तीन ही पहुंच पा रहा है मॉडल भाव, इसलिए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, और ना मैं दे सकता हूं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों चार पॉइंट्स कर लिए, अब हमारा पांचवा पॉइंट्स है, चार पॉइंट्स हमने कर लिया, पांचवा पॉइंट्स है अनसर्टेनिटी, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, सबसे पहले हम लोग बच्चों इसका कर लेते हैं, टू एक्सप्रेस
डिटर्मिनेशन। बच्चों दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय, ठीक है, दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, ठीक है, एक बार एग्जाम्पल देख लिया आप इसके, क्या कह रहा है? वो दृढ़ निश्चय है भाई, ही वुड डू दैट, वह काम ये कर देगा भाई, ये वह व्यक्ति है जो ना, ही वुड डू दैट, ठीक है, वह उसे कर देगा, चिंता मत करो, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, लाइक इट और नॉट, आप चाहे पसंद करे चाहे नहीं करे, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये काम वो कर देगा, दृढ़ निश्चय इंसान है, दृढ़ निश्चय है भाई, ही वुड डू दैट, वेदर चाहे आपको की पसंद हो या नहीं हो, ठीक है ना, चाहे आपको पसंद हो या नहीं हो, ओके, ही वुड डू दैट, वो कर देगा, दृढ़ निश्चय है, ठीक है, दृढ़ निश्चय है भाई, ही वुड डू दैट, वो कर देगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको पसंद हो या नहीं हो, बट वो इतना दृढ़ निश्चय है कि आप मना भी करेंगे तो कहेगा कि नहीं मैं तो करके दूंगा, है ना। यस, सिक्स्थ पे आ जाइए, वो था आपके पास टू एक्सप्रेस, ठीक है, अनसर्टेनिटी, है ना, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को, अनिश्चित है भाई, निश्चित नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है, हमको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है, अनिश्चितता को व्यक्त करने वाला, अनिश्चितता को व्यक्त करने वाला, ठीक है। यस, देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए आप एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिएगा क्या कि भाई ही वुड गो, वो जाएगा, इफ ही वर आस्क्ड, यदि उसे कहा जाएगा तो वो जाएगा, बट अभी नहीं पता वो जाएगा या नहीं जाएगा, बट यदि उसे कहा गया तो वो जा सकता है, ठीक है ना, ही वुड गो, वह जाएगा, ही वुड गो इफ ही वर आस्क्ड बाय अनिश्चितता, ऐसे भी कह सकते कि ही वुड गो इफ ही वर आस्क्ड, यदि उसे कहा जाता तो वह जाता, बट वह गया नहीं, लेकिन अगर उसे कहा जाता तो वह जाता, कहा नहीं ना आपने, तो हम कह सकते कि हम अनिश्चितता में हैं कि वो जाता या नहीं जाता भाई, तो हमने कहा कि पहले अगर तुम कहते तब ना बात आती है कि वो जाता या नहीं जाता, तो कहते तो तुम वो जाता, अब निश्चित ही जाता या नहीं जाता ये सही नहीं है, है ना, निश्चित ही नहीं है हम, बट यदि इफ ही वर आस्क्ड, यदि उसे कहा जाता, ही वुड गो, वह जाता, ऐसे भी कह सकते हम, वह जाता यदि उसे कहा जाता, ठीक है ना, यदि उसे कहा जाता तो वह जाता, ही वुड गो, अनिश्चितता, ठीक है, टू एक्सप्रेस पास्ट अनसर्टेनिटी, पास्ट बीते हुए अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, ही वुड गो, वह जाता यदि उसे कहा जाता, तो कहा नहीं ना आपने, यस, ही वुड डू द वर्क इफ ही वर आस्क्ड, यदि उसे कहा जाता तो वह काम करता, वी आर नॉट वेरी सर्टेन, बट उसे अगर कहा जाता तो अनुमान है कि वह कर देता, ठीक है, यस, बट वी आर नॉट वेरी वेरी सर्टेन, पूरी तरह से हम लोग निश्चित नहीं है, समझ में आया क्या बात, चलिए अब साथ में पॉइंट पे आ जाइए, ज्यादा आपसे डिस्कस ना करते हैं, हम लोग साथ में पॉइंट पे पहुंचते हैं, वह बच्चों विलिंगनेस, क्या है विलिंगनेस, इच्छा को व्यक्त करने के लिए, विलिंगनेस, ठीक है, यस, विलिंगनेस, इच्छा, ठीक है, यस, इच्छा को व्यक्त करने के लिए, इसमें भी कुछ इच्छाएं को व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, क्या ये देखिए, he would
टेल यू, ही वुड टेल यू, वो आपसे कहता, ठीक है, ही वुड टेल यू, ही वुड टेल यू, ठीक है, ही वुड टेल यू, वो आपसे कहता, ठीक है ना। यहां पे इच्छा है, इच्छा क्या है कि ही वुड टेल यू, ठीक है, वो आपसे कहता, ठीक है, यस, वो आपसे कहता, अगर आप फ्री होते तो वो आपसे कहता, ठीक है, ये इच्छा है। एक और वाक्य देख लीजिए, वुड यू, वुड यू, वुड यू, वुड यू लिसन मी, वुड यू लिसन मी, क्या आप मुझे सुनेंगे, ठीक है। तो ये भी इच्छा आपकी जानने के लिए हमने आपसे पूछा कि क्या आप मुझे सुनेंगे, ठीक है। तो इच्छा जानने के लिए, दूसरे का इच्छा जानने के लिए फिर भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है, यस, ठीक है। ही वुड टेल यू, वो आपसे कहता, ऐसा मैं कह रहा हूं, उसकी इच्छा थी, वुड टेल यू, आपसे कहता, बट आपके पास समय नहीं थी इसलिए उसने नहीं कहा, तो इच्छा थी, इच्छा व्यक्त किया गया यहाँ पे कि ही वुड टेल यू, अच्छा उसका इच्छा था क्या मुझे को कहने का, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वुड यू लिसन मी, क्या आप मुझे सुनेंगे, ठीक है, वुड यू लिसन मी, क्या आप मुझे सुनेंगे, तो आपने कहा नहीं भाई आप चले जाओ अभी मैं नहीं सुनूंगा, तो आपकी इच्छा जानने के लिए, विलिंगनेस जानने के लिए मैंने आपसे पूछ दिया, ठीक है। इच्छा जानने के लिए भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, समझ आएगा बात, चलिए पक्का आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, अभी और बहुत आना बाकी है, सात ही पॉइंट्स हुआ है, अभी तो मत पूछे कितनों आना बाकी है, कर लिया आपने, चलिए मिटा दिया जाए, आ गया, अभी तो बहुत सारे आना बाकी है भाई, देखते हैं कहां तक पहुंचते हम लोग, देखते हैं कितना आता है, देखते हैं कि कितने आपके पास पहुंचते हैं, कितना हमें और मिलने वाला है, हमें भी नहीं पता कितना मिलने वाला है। चलिए आठ पे आ जाइए बच्चों, आठवां पॉइंट, दैट इज इंसिस्टेंस, टू सो इंसिस्टेंस, ठीक है, टू सो इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों इंसिस्ट करना, दबाव डालना, इंसिस्ट दबाव डालना, ठीक है, दबाव डालना, किसी पर दबाव डालना, ठीक है, ये इंसिस्टेंस होता है बच्चों, इंसिस्टेंस मतलब दबाव डालना यहां पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या कि दिस इज योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, सो इसलिए यू वुड पे द पेनल्टी, इसलिए तुम पे करोगे, ठीक है, यस, दंड जो है उसका भुगतान तुम करोगे, दिस इज योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, इसलिए सो यू वुड पे, आप करेंगे भाई, ये आपके ऊपर दबाव डाल दिया, आपकी गलती नहीं भी, आप कहें नहीं सर I did not do that, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा नहीं, this is your fault, ये तुम्हारी गलती है और तुम ही पे करोगे, मैं कह रहा हूं नहीं और क्या कर दूंगा, मैं दबाव डाला जा रहा है आप पे, समझ आ गया बात। चलिए नौवें पॉइंट्स पे आ जाइए, टू सो इंसिस्टेंस है ना। नेक्स्ट आ जाइए नौवां पॉइंट्स, दैट इज योर पॉसिबिलिटी बच्चों, पॉसिबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए, ये देखिए पॉसिबिलिटी किसको व्यक्त करना है, संभावना को, संभावना देखिए, एग्जांपल देख लीजिए, पॉसिबिलिटी संभावना है ये, क्या ही वुड बी हेयर बाय नाउ, वो अब तक यहां होगा, संभावना मैंने बता दिया कि वह अब तक यहां होगा, ठीक है, ही वुड बी हेयर बाय नाउ, वह अब तक क्या होगा, यहां होगा, ठीक है, यस, मैंने संभावना बता दिया कि ही वुड बी हेयर, वह यहां होगा, वह अब तक यहां होगा, ठीक है, संभावना है ही वुड बी हेयर, ही वुड कम हेयर बाय नाउ, वह अब तक यहां आ जाएगा, ही वुड कम हेयर बाय नाउ, ठीक है, ही वुड कम हेयर, वो यहां अब तक आ जाएगा, ठीक है, ओके, यस, ही वुड कम हेयर, वो आएगा बाय नाउ, अब तक आ जाएगा, ठीक है, अब तक वो आ जाएगा, संभावना है, अगर उसे हम बोलेंगे ना तो वो अब तक आने वाले समय पर वो अब तक आ जाएगा, संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, 10वां सेंटेंस देख लीजिए,
दसवां देख लीजिए बच्चों, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों असंभावना शर्तीय वाक्य, ठीक है। मतलब ऐसा शर्तीय वाक्य जिसका संभावना बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है, संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये देखिए इस सेंटेंस को कैसे भाई, अब संभावना नहीं है, पहले आप करते भाई। इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यह पास्ट है ना, पास्ट के एक्सपेक्टेशन को व्यक्त कर रही है, पास्ट में कुछ उम्मीदों को व्यक्त कर रही है। तो अब वो उम्मीद जो पहले उम्मीद थी वो तो अब टूट गई ना, क्योंकि अब प्रेजेंट ही खत्म हो चुका है भाई, अब तो वो घटना घटित हो चुकी है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, क्या हैड ही वर्कड हार्ड। यदि वह, बच्चों हम लोग कंडीशनल सेंटेंस इस तरीके से ही बनाते हैं, सबसे पहले अगर आपने वाक में हैड का प्रयोग कर दिया तो यह है कंडीशनल सेंटेंस। हैड ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता, ही वुड हैव पास्ड, वह पास हो जाता, ही वुड हैव पास्ड। बच्चों जैसे ही वाक में सबसे पहले हैड का प्रयोग कर दिया, और उस वाक में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाया गया है, और वाक में आपका हैड लगा दिया पहले, इसका मतलब होता है यदि, कंडीशनल सेंटेंस है ये, यदि वह कठिन मेहनत करता, ठीक है, यदि वह कठिन मेहनत करता, ठीक है, he would have passed, वह सफल हो जाता, ठीक है, वह सफल हो जाता, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हैड लगाइए, देन आफ्टर सब्जेक्ट, और इसके बाद भाव का थर्ड फॉर्म, यहां पे भाव का थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है हैड वाले वाक में परफेक्ट वाला वाक है, परफेक्ट, यस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ भाव का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, यस। तो हैड ही वर्कड हार्ड, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में याद रहे बच्चों, आपको मॉडल वर्ब लगाना है, उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी होना ही चाहिए, और उसके बाद भाव का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें, ये वाक का स्ट्रक्चर होता है। यदि अगर कंडीशनल सेंटेंस आप हैड से बना रहे हैं ना, तो हैड वाले अगले वाले वाले उग है ना, उड वाले वाक में कंडीशनल सेंटेंस, सॉरी मॉडल वर्ब में, उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी होना ही चाहिए, और प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ भाव का थर्ड फॉर्म होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ यही होगा, हैड ही वर्कड हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत करता, ठीक है, हैड ही कम हियर, यदि वह यहां आता, ही वुड हैव गॉट समथिंग, उसे कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त हुआ होता भाई, यदि वह यहां आता तो, बट अब संभावना ही नहीं है, अब तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बीत गई, सभी फंक्शन बीत गई, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए, तो बच्चों यही थी आपके 10 के 10 हीरे उड के लिए, लिख लीजिए आप, मिटा दू क्या मैं, ये 10 के 10 हीरे थे आपके उड के लिए, जिसको आप पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है, पक्का, मिटा दिया जाए, चलो। बहुत हार्ड लग रहा है कंडीशनल सेंटेंस आपको, बहुत ही ज्यादा है ना, यस, बहुत हार्ड, सॉरी मॉडल वर्ब है ना। अब चलिए नौ भाई, उड भी खत्म हो गया ना आपका, तो नौवां खत्म हो चुका है, अब दसवें पे आते हैं। दसवां हमारा वो है बच्चों ऑड टू, देखते हैं ऑड टू को। सबसे पहला है ऑड टू में मोरल ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन, ठीक है। मतलब बच्चों आपकी नैतिक कर्तव्य को निभाना है तो आप ऑड टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इज यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सेवा करनी चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। यू ऑट टू ओबे द एल्डर्स, तुम्हें बड़ों की आज्ञा
माननी चाहिए, यू ऑट टू ओबे, आज्ञा मानना चाहिए, द एल्डर्स बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए आपको, ठीक है ना, ये नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, नैतिक कर्तव्य सबका नैतिक है, हमारा, हम लिख सकते हैं वी ऑट टू ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों की जो है वह आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना, हमें करना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है हमारा, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड है आपका सजेशन एंड एडवाइस, सजेशन एंड एडवाइस, सजेशन एंड एडवाइस, ठीक है, सजेशन एंड एडवाइस, ठीक है, आप जानते हैं इसका मतलब परामर्श, परामर्श एंड सलाह, परामर्श है आपको, सलाह है आपको, क्या है भाई सलाह क्या है वो देख लीजिए, क्या एग्जाम्पल देख लीजिए, यू ऑट टू, यू ऑट टू वॉक, या फिर यू ऑट टू एक्सरसाइज डेली, ठीक है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डेली, आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, ये आपसे परामर्श है, बिकॉज यू आर गेटिंग फैट, यू ऑट टू एक्सरसाइज डेली बिकॉज, बिकॉज, या फिर कह सकते हैं एज, एज यू आर गेटिंग फैट, एज यू आर गेटिंग फैट, क्योंकि तुम मोटे हो रहे हो तो तुमको रोज जो है ना, ऐसा मेरा परामर्श है कि तुम को रोज जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, समझ आएगा बात, तो आप ऑट टू का प्रयोग कब करते हैं, जब आप किसी को परामर्श देते हैं, ठीक है, यस, बड़ा ही है ना आग्रह के साथ आप कहना चाहते हैं और किसी के लिए कर्तव्य बन जाता है ये करना, तो आप ऑट टू का प्रयोग करते हैं परामर्श देते समय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, थर्ड पॉइंट पे बटो पास्ट डिडक्शन, पास्ट डिडक्शन, ठीक है, यस, पास्ट डिडक्शन, पास्ट पूर्वानुमान है ना, पास्ट डिडक्शन पूर्वानुमान, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, पास्ट भूतकालिक पूर्वानुमान, ठीक है ना, वो कैसे, भूतकाल का कुछ अनुमान लगाना, ठीक है ना, वो देखिए कैसे, और यस यू ऑट टू, यू ऑट टू हैव कॉट द बस, यू ऑट टू हैव कॉट द बस, ठीक है, आपको बस पकड़ लेनी चाहिए थी, ऐसा उम्मीद करते हैं, बिकॉज यू वेंट अर्ली, यू ऑट टू हैव कॉट द बस, ठीक है, आपको बस पकड़ लेनी चाहिए थी, पकड़ लेना चाहिए था, बाय ऑट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है, यस, चाहिए का यहां से अर्थ होता है, तो यू ऑट टू हैव, अरे मैंने कहा था पास्ट डिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मॉडल लगाते हैं, उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी लगाते हैं, उसके बाद भव का थर्ड फॉर्म, भूल गए ना, क्यों नहीं भूलोगे, पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब है नहीं भाई, ऑट टू दिस इज योर मॉडल भव, हैव दिस इज योर प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड कॉट कैच कॉट भव का थर्ड फॉर्म, यस यू ऑट टू हैव कॉट द बस, बस पकड़ लेनी चाहिए थी क्योंकि तुम तो जल्दी निकले थे, तुम पूर्वानुमान लगा था, तुम्हें पकड़नी चाहिए थी, उसे पकड़नी चाहिए थी, ठीक है, यस, समझाई क्या बात, पक्का आ गया, पक्का आ गया, चलो चौथे पॉइंट्स भी मैं देख लूं, यहां पर चौथे पॉइंट्स भी देखें हम लोग, देख लेते हैं भाई, चौथा पॉइंट देख लीजिए, दैट इज पास्ट अनफुलफिल्ड, बाय पास्ट अनफुलफिल्ड, ठीक है, ऑब्लिगेशन, कुछ कर्तव्य जो पास्ट में आपने पूरे नहीं कर पाए, जो आप पूरे नहीं कर पाए, अनफुलफिल्ड, ठीक है, अपूर्ण कर्तव्य, भूतकालिक अपूर्ण कर्तव्य क्या है वो, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यू ऑट टू, या फिर यहां पे ही लगा दीजिए, ये लीजिए, ही ऑट टू हैव कन्वेड द मैसेज, कन्वेड द मैसेज, ठीक है, ही ऑट टू हैव कन्वेड द मैसेज, ऑट टू हैव भूतकालिक है ना भाई, बीत गया है ना, तो ऑट टू हैव कन्वेड, कन्वे का मतलब होता है ना बताना, सूचित करना, यस, कन्वेड का मतलब क्या होता है बच्चों, सूचित करना, ठीक है, कन्वेड का मतलब सूचित करना, ठीक है ना, सूचित करना, ठीक है, उसको मैसेज से सूचित करना चाहिए था, ही ऑट टू हैव कन्वेड, करना चाहिए था, उसे सूचित करना चाहिए था, किया नहीं ना,
सूचित नहीं किया, अपूर्ण रह गया उसको यह मैसेज देख करके। मैं सूचित करना चाहिए था कि भाई आपको आवश्यकताएं थी तो मैं आपकी आवश्यकता पर आ जाता, बट उसने किया ही नहीं, मुझे उसने बताया ही नहीं, उसे पता था आपके जो है ना कठिन पर समस्याओं के बारे में, बट ही ought to have conveyed, उसको बताना चाहिए था, but he did not tell us, लेकिन उसने हम लोग को कहा नहीं, करना चाहिए था, अपूर्ण रह गया। He ought to have conveyed, ought to, this is your modal, this is your primary auxiliary and this is your verb का third form, ठीक है? Convey का मतलब convey, C-O-N-V-E-Y, convey का मतलब होता है सूचित करना, ठीक है ना? बताना, transfer करना, स्थानांतरित करना, मेरे को पता है आप तक बताना, ठीक है ना? सूचित करना, okay? हेलो क्लास, वेरी वेरी सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी, ठीक है, आपका वीडियोस बीच में बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया चुका था, है ना, एकदम ब्लैक हो चुका था, तो बच्चों उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, लाइट चली गई थी, ठीक है। चलिए, चार पॉइंट्स आपने देख लिया, अब हम लोग बच्चों इसको मिटाते हैं और एक और पॉइंट हम लोग इसमें लिखने वाले हैं, फिर हमारा ये ऑट टू खत्म हो जाएगा। एक और वो है बच्चों, वो जो है वो है फिफ्थ पॉइंट, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन, उम्मीद को व्यक्त करने के लिए या फिर आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए। क्या एग्जांपल देख लीजिए, यू ऑट टू यू ऑट टू बी, या फिर यू ऑट टू इट फूड बाय नाउ, ठीक है, उसे अब तक खाना खा लेना चाहिए, उम्मीद है कि उसे अब तक खाना खा लेना चाहिए, अब मैं कॉल कर सकता हूं, उसे कॉल करूंगा, ओहो हो फूड नहीं यार, फूड बेवकूफ फूड, ठीक है, तो उसे अब तक खाना खा लेना चाहिए। मैंने कुछ देर पहले कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि भाई मैं खाना खा रहा हूं, तो मैंने कहा ठीक है खाना खा लीजिए आप, फिर मैं फोन करता हूं, तो इसीलिए है ना यू ऑट टू इट, है ना ही लगाते हैं, ही ऑट टू इट फूड बाय नाउ, उसे अब तक खाना खा लेना चाहिए, उम्मीद है, ऐसा एक्सपेक्टेशन, उम्मीद करते हैं, तो मैं कॉल करता हूं, है ना, मैं अब कॉल करता हूं, समझ गए बात। तो चलिए, आपका बच्चों ऑट टू खत्म हो चुका है, पांच पॉइंट हो गया। अब मैं लिए चलता हूं आपको ग्यारहवां पे, जो कि है नीडंट। बच्चों जो ग्यारहवां है वो है नीडंट। बच्चों नीड का प्रयोग हम लोग निगेटिव सेंस में करते हैं, इट इज यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये अधिकतर जो है बच्चों वह आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में यूज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, यस, इसीलिए निडंट का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सॉरी फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, कहां करने वाले हम लोग, तो बच्चों करने वाले हम लोग टू सो या फिर कहे तो एब्सेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, जब जहां पे कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जहां पे कर्तव्य की अनिवार्यता की आवश्यकता नहीं है, जहां एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता ही नहीं है तो वहां पे, जैसे देख लीजिए एग्जांपल कि वी आर अ स्वेटर Now, as the weather is warm, ठीक है, we needn't wear a sweater now, अब हमें स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं है। Needn't का मतलब क्या होता है, आवश्यकता नहीं है, needn't, we needn't wear a sweater now, अब हमें आवश्यकता स्वेटर पहनने की नहीं है, as जैसा कि the weather is warm, जैसा कि आप जानते हैं जो मौसम है वो क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, बोले कोई दिक्कत, यस। सेकंड एग्जांपल लिख सकते हैं कि यू नीडंट
कम, यू नीडंट कम हेयर बाय एयर, बाय एयर आपको यहां आ है ना हवाई के रास्ते आने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों याद रहे आप नीड के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये बात मैंने आपको कह चुका है, यहां पर आप नीड के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई टू का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, करना चाहिए। यू नीड नॉट वियर अ स्वेटर, पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। वी नीडंट वियर अ स्वेटर, पहनने की आवश्यकता नहीं है। यू नीडंट कम हेयर, यहां आने की आपको बाय एयर, बाय एयर का मतलब है वायुयान से, अब आने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आप सीधा एकदम ट्रेन पकड़ लीजिए और आ जाइए, आप गाड़ी से आ जाइए, आप बाइक से आ जाइए, इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। यू नीडंट कम हियर बाय एयर, आपको वायुयान से आने की आवश्यकता नहीं है, इतनी जल्दी आने की आवश्यकता नहीं है भाई। समझ आई क्या बात, समझ आइएगा, पक्का आपको पक्का आ गई ना भाई, एकदम आ गई ना, नहीं आई पक्का नहीं आई। सेकेंड पॉइंट देख लो, पास्ट, पास्ट past, past, past action in which required, in which required neither, neither necessity, neither necessity nor obligation, nor obligation, कोई past action, past का ऐसा कर्तव्य जिसमें ना ही आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है और ना ही obligation की आवश्यकता है। which required, ऐसा जिसमें आवश्यकता है किसका, necessity का, neither necessity, necessity की आवश्यकता नहीं है और nor obligation, ना ही कर्तव्य की आवश्यकता है, ठीक है भाई। आवश्यकता थी पास्ट में, पास्ट के समय में आवश्यकता नहीं थी आपको ऐसा करने की। यस, एग्जांपल ये कह सकते हैं, यू नीडंट, पास्ट हो गया ना, हैव, यू नीडंट हैव डन इट देयर, आपको वहां ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, आपने क्यों कर दिया, क्यों उसके साथ झगड़े कर लिए, आप क्यों कर लिए बताइए, आपको नहीं करना चाहिए था उनसे झगड़े वहां पर, ठीक है ना। यू नीडंट हैव डन इट, आपको वहां ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए था भाई। यू नीडंट हैव डन इट देयर, यू नीड नॉट हैव डन इट, ठीक है ना, पास्ट में था ना, तो नीड के बाद मॉडल के बाद आप प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव लगाए और उसके बाद भाव का थर्ड फॉर्म। यू नीड नॉट हैव डन, आपको वहां ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, इट देयर वहां करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। यस, यू नीडंट हैव परचेस्ड फॉर मी, आपको मेरे लिए खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे नहीं चाहिए था, बच्चों के लिए खरीद लेते, है ना, पत्नी पति से झगड़ा कर रही है ना, यस समझ गए ना। यू नीडंट हैव बॉट फॉर मी, यू नीडंट हैव बॉट, खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, समझ गए क्या बात। यस तो ये हो गए बच्चों दो प्रयोग निडंट का, तो आप निड का प्रयोग देख लिया आपने कि यस नेगेटिव सेंस में करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका प्रयोग आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मिटाता हूं मैं इसको। अब आते हैं बारहवां पे, वो है बच्चों, वो है डेयर, क्या है डेयर बच्चों, डेयर का प्रयोग भी लोग निगेटिव सेंस में करते हैं, डेरंट, D-A-R-E-N-T, डेरेंट, ठीक है, नेगेटिव सेंस में, यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, है ना, यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में करते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंस में करते हैं हम लोग, ठीक है, वो उचित होता है। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल, और केवल एक ही पॉइंट है बच्चों इसमें, केवल एक ही पॉइंट है, वो है एब्सेंस ऑफ डेयर, एब्सेंस ऑफ डेयर, जहां पर डेयर का मतलब क्या होता है, साहस, डेयर या फिर करेज के हैं, करेज, ठीक है, जहां पर साहस की अनुपस्थिति होती है, साहस ही नहीं होता, ठीक है ना, किसी के पास कोई चीज करने की साहस नहीं होती ना, तो हम कहते हैं डेयरेंट, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए क्या, यस, द यूएसए, द यूएसए, ठीक है, डेयरेंट, डेयरेंट अटैक चाइना, ठीक है, यूएसए के पास है ना अटैक चाइना, बाय चीन पर अटैक करने की साहस ही नहीं है, यूएसए डेयरंट अटैक चाइना,
चाइना पर अटैक करने की साहस नहीं रखता है. द यूएसए डेरंट अटैक चाइना, साहस ही नहीं अटैक करने की, अटैक नहीं कर सकता, डेरंट, ठीक है ना. यस ही डेरंट कम इन फ्रंट ऑफ मी, उसे मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, उसे मेरे सामने आने की साहस ही नहीं है. He dare not come in front of me. मेरे सामने आने की साहस ही नहीं करता है वो, पता नहीं क्यों नहीं करता भाई, क्यों डरता है. Absence of dare, साहस की अनुपस्थिति होती है. समझ आया बात? केवल एक ही पॉइंट थे बच्चों इसमें, तो आपको मैंने ये भी समझा दिया. अब आज ये 13वां पर वो है बच्चों यूज्ड टू. 13वां क्या है? यूज्ड टू बच्चों हम लोग इसका प्रयोग करते हैं. पहला पॉइंट से पास्ट हैबिट, कौन सा है? पास्ट हैबिट. ऐसी आदतें जो भूतकालिक थी, जो भूत समय में हम लोग कोई आदतें हमारी बनी हुई थी. एग्जाम्पल देख लीजिए. आई यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली. आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन यंग एज. जब मैं युवा था ना तो मैं डेली एक्सरसाइज करता था, मेरी आदत थी ये. ठीक है. अब भाई दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो. दे यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग दोज डेज. उन दिनों में वो सुबह सुबह उठा करते थे. ठीक है, वे लोग उठा करते थे. दे यूज्ड टू, भाई इन यंग एज, जब मैं यंग था, कोई अब बूढ़ा हो चुका तब बात कर रहा है, तो बीता हुआ समय की बात कर रहा है. दोज डेज, भाई इससे अर्थ ही निकलता है, उन दिनों का मतलब जो बीत गए. तो दे यूज्ड टू वेक अप, उनकी आदतें बनी हुई थी, वो सुबह सुबह उठ जाते थे. इन द मॉर्निंग दोज डेज, ठीक है. यस, समझ गया बात, कोई चीज का आदतें हो जाना. ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. ये था आपका कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देख लीजिए बच्चों. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लीजिए. यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग बच्चों, जो सेकेंड है मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप इसको लिख लीजिएगा नोट्स में. मिटा दो, चलिए बच्चों मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं, देख लीजिए क्या वो है बच्चों की प्रेजेंट हैबिट को भी हम लोग इसे एक्सप्रेस करते हैं. टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट. प्रेजेंट हैबिट को भी हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, प्रेजेंट हैबिट को भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल आपके पास. यस, आई एम नाउ. ठीक है, आई एम नाउ यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली. अब यूज्ड टू, आदत हो चुकी है एक्सरसाइज डेली करने की. आई एम नाउ यूज्ड टू, मुझे अब आदत हो चुकी है एक्सरसाइज डेली, रोज डेली डेली जो है एक्सरसाइज करने की. ठीक है, आई एम नाउ यूज्ड टू. ठीक है, यस, आई एम नाउ यूज्ड टू इट फूड अर्ली इन द मॉर्निंग. आई एम नाउ का मतलब क्या है? मैं अब, प्रेजेंट की बात कर रहा. आई एम नाउ, मैं अब यूज्ड टू, है ना, आदतें हो चुकी है मेरी, अब मेरी आदतें हो चुकी है इट फूड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह खाना खाने की. समझ आ गए बच्चों? तो ये था बच्चों सेंटेंस एसर्टिव के लिए. भाई इसका भी निगेटिव सेंस यूज होता है बच्चों, इसका भी निगेटिव सेंस. तो तीसरा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं आपके लिए, है ना, यूज टू में तीसरा पॉइंट बच्चों. तीसरा पॉइंट वो है क्या बच्चों? यूजंट टू. ठीक है, निगेटिव सेंस में. तो किसी भी सेंटेंस को आप पास्ट वाले को या प्रेजेंट वाले को कर सकते हैं. पास्ट और प्रेजेंट में दोनों का आप निगेटिव सेंस यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं कहूं कि आई एम नाउ
यूजंट टू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब उसका प्रयोग नहीं करता हूं, तो मतलब पास्ट की बात होगी, तो आप पास्ट वाला सेंटेंस ले लीजिए ना, ले लीजिए क्या कि आई यूजंट टू एक्सरसाइज डेली इन यंग एज, डेली इन यंग एज, मैं युवा अवस्था में, जब मेरी युवा काल थी, युवा काल में मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता था, मैं यूज टू नहीं था, अब मैं करने लगा हूं, अब मैं करता हूं, पहले नहीं करता था, ठीक है। आई यूजंट टू एक्सरसाइज डेली इन यंग एज, यंग एज में प्रतिदिन, मेरी आदत थी नहीं प्रतिदिन, है ना, एक्सरसाइज करने की, समझ आया क्या बात है आपको, बिल्कुल। तो बच्चों इस तरह से आपको मैंने पूरे के पूरे मॉडल वर्ब करवा दिए, मॉडल वर्ब आपका खत्म होता है। अगले वीडियोस में एक और लेके आने वाला हूं जिसमें खूब खतरनाक क्वेश्चन लेके आएंगे और हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बच्चों एक बात बताना जरूरी रह गया, वो क्या था, तो बच्चों मैंने आपको जो बताया था, क्या क्या बताया था बच्चों, कि हमने बताया था आपको कि मे वाला सेंटेंस, मे वाला, मे के सेंटेंस में बच्चों मैंने आपको बताया था, ठीक है, मे के सेंटेंस में बताया था मैंने बच्चों एक एग्जांपल, वो था यू मे गो एज वेल इफ यू लाइक क्या आपको याद आ रहा है, तो बच्चों वहां पे एज वेल कर लीजिएगा, एज वेल, यू मे गो एज वेल जैसा तुमको अच्छा लगे तुम जा सकते हो, ठीक है, इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो यू मे गो एज वेल, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे एज वेल, एज के जगह पे एज वेल प्रयोग कीजिएगा, आप समझ गए पक्का, चलिए तो आप वहां पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चों खत्म हो चुकी है मॉडल वर्ब्स, मैंने आपको पूरे ईमानदारी से सारे दे दिए हैं, ठीक है। अब मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस लेके आता हूं आपके लिए अगले वीडियोस में, तब तक आप इन सारे मॉडल वर्ब को एक साथ देख लीजिए और याद कर लीजिए, पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए भाई, एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि कहां पे क्या प्रयोग हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।